और बड़ी खबर की बात करें, मुजफ्फरनगर से हार को लेकर संजीव बालियान ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोगों ने खुलेआम समाजवादी पार्टी की मदद की है, साथ ही बालियान ने पार्टी से कार्रवाई की मांग भी की है। तो बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं, संगीत सोम के सवाल पर यहां पर जवाब दिया है, एसपी प्रत्याशी की मदद का आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने खुलेआम समाजवादी पार्टी की मदद की है, बालियान ने पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे हैं संजीव बालियान, और संजीव बालियान ने यहां पर यह बड़ा आरोप लगाया है। मंत्री, चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए या प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने से बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर ख्याल ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संजीव बालियान के इस आरोप के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन पूर्व विधायक संगीत सोम के विधानसभा सरतना के आंकड़े आपको बताते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से करीब 60 वोट ज्यादा मिले हैं। सरदा में समाजवादी पार्टी को 80,826 वोट मिले और बीजेपी को 80,781 वोट मिले हैं। संगीत सोम के गांव आलमगीरपुर फरीदपुर में बीजेपी को 148 और समाजवादी पार्टी को 153, यानी संगीत सोम के गांव में भी बीजेपी की हार हुई है। माना जा रहा है कि संगीत सोम की तरफ संजीव बालियान का इशारा है। हालांकि संगीत सोम मुजफ्फरनगर की हार पर पहले ही अपना बयान दे चुके हैं, इसमें बालियान के आरोप और वोटिंग के ठीक बाद 6 जून को संगीत सोम ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। बयान है, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए या प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने से बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर ख्याल ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। और खासतौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हारना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सरधना विधानसभा क्षेत्र में हमको लगता है हम जीते हैं, बाकी बुढ़ाना हम हारे हैं, चरथावल भी भारतीय जनता पार्टी हारी है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी, सरधना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूं 2 बार, और सरधना विधानसभा में ही मैं काम करता हूं, वहीं मेरा गांव है। सरधना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी, सरधना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं, बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पे हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए, और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15,000 से, तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए।